दोस्तों इस वीडियो में हम पूछेंगे जीके का पांच बड़े ही मजेदार सवाल, जो सोचने के लिए मिलेगा आपको 5 सेकंड। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा कि ऐसे ऐसी सभी बीमारियों के बारे में आप लोग के पास में जानकारी डायरेक्ट मिल जाए आसानी से। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सवाल नंबर एक, किस पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए बीमारी होती है। दोस्तों नहीं जानते हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे भाई मेरे दोस्त। दोस्तों इसका सही आंसर है हरपरौली के पेड़ के नीचे कभी नहीं सोना चाहिए। उस जो है वो खट्टा होता है, सर्दी जुकाम बुखार पकड़ लेता है तो जीवन में कभी नहीं ठीक होती है और मानसिक तनाव भी हो जाती है, इसीलिए हरपरौली के पेड़ के पास में बिल्कुल ना सोएं। सवाल नंबर दो, आधा सिर का दर्द कैसे मिटाया जाता है। दोस्तों आधा सिर में दर्द है तो कैसे मिटाया जाता है, नहीं जानते हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों इसका सही आंसर है रोज़ सुबह जगना है और सेब एक रोज़ खाली पेट खाना है तो आधे सिर का दर्द तुरंत मिट जाएगी। सेब में इतना गुण पाया जाता है लेकिन सुबह में जगना है। जो लोग रविवार के दिन ज़्यादा सोते हैं उन्हीं को ये सब हो जाती है। सवाल नंबर तीन, कफ खांसी कैसे मिटाया जाता है। दोस्तों कफ खांसी जो है खूनी कफ कैसे मिटाया जाता है, नहीं जानते हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे भाई मेरे दोस्त। दोस्तों इसका सही आंसर है रोज़ रोटी खाना है और लहसुन की चटनी दिन में 2 बार जरूर खाना है, इससे खूनी कफ जो होगी छाती पर बलगम खाए खाए करते होंगे आदमी वो भी ठीक हो जाएगा। दोस्तों सवाल नंबर चार, कब्ज कैसे ठीक होता है। दोस्तों अगर कब्ज की बीमारी है आपको भूख नहीं लगती है थोड़ा सा भी तो कैसे ठीक करना है उसको, नहीं जानते हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों इसका सही आंसर है 1 गिलास पानी में सेंधा नमक और नींबू मिलाकर पीते रहने से 2-4 दिन आपको ये रोग ठीक हो जाता है तुरंत। ऐसे ऐसी बीमारियों से बचना है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें मेरे दोस्त। सवाल नंबर पाँच, खूनी पेचिश कैसे ठीक होता है। दोस्तों खूनी पेचिश अगर हो गई है आपको तो कैसे ठीक करना है, नहीं जानते हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्त। दोस्तों इसका सही आंसर है माठा और बेल का गुद्दा पीने से खूनी पेचिश की नामो निशान तक मिट जाती है। खूनी पेचिश जो होता है बहुत खतरनाक होता है, इसीलिए खूनी पेचिश को ख़त्म करने के लिए माठा और बेल का गुद्दा बहुत ही फायदेमंद है। थैंक यू दोस्तों, बने रहें मस्त रहें खुशहाल है जहाँ भी रहें।